खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। काशी लोकसभा जीतना मेरे हिसाब से ये काम कल पूरा हो गया। कल ही काशी जीतने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कह रहे हैं? क्या इसकी वजह गुरुवार को रोड शो के जरिए हुआ शक्ति प्रदर्शन है, या फिर वजह है कांग्रेस की तरफ से काफी सस्पेंस बनाने के बाद प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव में ना उतारना? सवाल इसलिए क्योंकि प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ने के सवाल पर कभी इनकार करती नहीं मिली। If my Congress president tells me to contest, I will be happy to contest. अगर पार्टी कहेगी तो मैं कहीं से भी चुनाव लड़ूंगा। तो आखिर काशी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका खुद हटी या राहुल ने नहीं लड़ने दिया? अब देखिए, ये मीडिया वालों को बनारस के चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उनका टीआरपी खत्म हो गया। ये वर्ल्ड कप करते हैं ना, क्रिकेट का वर्ल्ड कप भारत पाकिस्तान के बिना कोई पैसे कमा ही नहीं सकता है। यहां भी उनको बस मान लेंगे कल के बाद, अब मोदी जीत गया, और ये सबसे बड़ा नुकसान करेगा। हमें किस पार्टी से कौन उम्मीदवार है, ये है वो नहीं है, फलाना नहीं है, दिखना नहीं है, वो लंबा है, वो काला है, वो गोरा है, वो टेढ़ा है, वो मेढ़ा है, कृपा करके ऐसी चर्चा मत करें। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में पहला भाषण दिया। जिन प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी की वाराणसी में अपनी पहली सियासी यात्रा पूरी की, जो प्रियंका गांधी अपनी चुनावी रैलियों में मोदी को वाराणसी पर सीधा घेरती हैं। मैं वाराणसी गई, मैंने पूछा प्रधानमंत्री आते हैं, जब आप यहाँ जी आते तो है भाषण लेके चले जाते हैं। उन्हीं प्रियंका गांधी के वाराणसी में ना उतरने का कारण बताने में कांग्रेस अलग अलग बोल क्यों बोल रही है? पार्टी प्रेसिडेंट ने फाइनल डिसीजन उन्हें दिया था, वो डिसीजन प्रियंका जी का है। उनका बनारस भी हम लड़ने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर है। आज देखिए, चार बार काशी से लड़ने की बात करके प्रियंका क्यों नहीं लड़ी? काशी में प्रियंका पर कांग्रेस के कदम पीछे खींचने की अंदर की कहानी क्या है? किन दो लोगों के कारण प्रियंका पर राहुल काशी में हाँ नहीं कर पाए? नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को गंगा पुत्र कहते हैं। फूलपुर की रैली में प्रियंका गांधी का स्वागत गंगा की बेटी के तौर पर किया गया, लेकिन काशी की गंगा मोदी प्रियंका के सियासी रण की गवाह नहीं बन सकी। कल प्रियंका पर कांग्रेस ने वाराणसी में पैर खींच लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कल ही काशी का लोकसभा चुनाव जीत लिया। आज नरेंद्र मोदी ने बनारस में दोबारा उम्मीदवारी का नामांकन करते हुए शपथ ली, लेकिन सवाल यह है कि काशी क्यों प्रियंका को अग्निपथ लगी? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी लोकसभा में एक स्थान करने के लिए अप्रेक्षित के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता क्योंकि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत की प्रतिभा और अखंडता अक्षुण्ण रहेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दोबारा सांसद बनने के लिए नामांकन करने के साथ ही शपथ ली, लेकिन यही शपथ प्रियंका गांधी के वाराणसी में लेने का सस्पेंस जो कांग्रेस ने क्रिएट किया, वो सस्पेंस अब इस मोड़ पर पहुंच गया कि आखिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका को कांग्रेस ने वाराणसी में क्यों नहीं उतारा। You will find out. If my Congress president tells me to contest, I'll be happy to contest. गुरुवार को पहले रोड शो और फिर शुक्रवार को वाराणसी में नामांकन करने पहुंचे नरेंद्र मोदी बड़ी गहनता से दीवार पर टंगा बोर्ड देखते नजर आए और फिर प्रधानमंत्री ने बोला, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी में प्रियंका को उतारने वाले 56 इंच के सीने की ताकत नहीं जुटा पाई। ऐसा माहौल कुछ लोग अब बनाने लगे हैं कि मोदी जी तो जीत गए और इसलिए वोट नहीं करोगे तो चलेगा। कृपा करके ऐसे लोगों की बातों के में मत आइए, मतदान ही आपका हक है। प्रियंका गांधी को वाराणसी में लड़ाने की पहले सिर्फ अटकलें चलती थीं। 28 मार्च वो पहली तारीख थी जब रायबरेली की एक बैठक में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रियंका गांधी से पूर्वांचल की किसी सीट से चुनाव लड़ने को कहा, तो प्रियंका ने खुद कहा कि बनारस से चुनाव लड़ जाऊं क्या। राहुल गांधी भी प्रियंका के वाराणसी से चुनाव लड़ने के सवाल पर सस्पेंस बने रहने देने की बात करते रहे। तो सवाल ये कि प्रियंका गांधी ने वाराणसी में खुद चुनाव न लड़ने का फैसला किया, क्या अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका को वाराणसी में न उतारने का फैसला लिया? नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में न लड़ाने का फैसला पार्टी हित में हुआ या प्रियंका हित में? जब भी प्रियंका से वाराणसी में चुनाव लड़ने को सवाल हुए, प्रियंका ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी पर ही फैसला छोड़ा। बनारस से क्या चुनाव लड़ेगी? आपने रायबरेली में गेस्ट हाउस में कहा था कि मैंने आपसे पिछली बार भी कहा, अगर पार्टी कहेगी तो मैं कहीं से भी चुनाव लड़ूं। प्रियंका जी, लेकिन प्रियंका के वाराणसी में चुनाव न लड़ने के फैसले ने बीजेपी को सीधे कांग्रेस नेतृत्व पर वार करने का मौका दिया। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़ा होना मुश्किल ही नहीं, शायद उनके वंश को आगे कोई नेता बचता नहीं, इस कारण से भी उन्होंने शायद तय किया होगा कि नहीं लड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस से मिले मौके को पकड़ा, वार किया, लेकिन प्रियंका का नाम लिए बिना। अब देखिए, ये मीडिया वालों को बनारस के चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उनका टीआरपी खत्म हो गया। ये वर्ल्ड कप करते हैं ना, क्रिकेट का वर्ल्ड कप भारत पाकिस्तान के बिना कोई पैसे कमा ही नहीं सकता है। यहां भी उनको बस मान लेंगे कल के बाद, अब मोदी जीत गया, और ये सबसे बड़ा नुकसान करेगा। हमें किस पार्टी से कौन उम्मीदवार है, ये है वो नहीं है, फलाना नहीं है, दिखना नहीं है, वो लंबा है, वो काला है, वो गोरा है, वो टेढ़ा है, वो मेढ़ा है, कृपा करके ऐसी चर्चा मत करें। आखिर क्या कारण रहा जो प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ने को लेकर खुशी जताती रहीं, लेकिन कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को वाराणसी से उम्मीदवार न बनाकर उन अजय राय को चुनाव मैदान में उतार दिया जिन्होंने 2014 में भी मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। इस पर गांधी परिवार के बेहद करीबी सैम पिट्रोडा को सुनिए। पार्टी प्रेसिडेंट ने फाइनल डिसीजन उन्हें दिया था, वो डिसीजन प्रियंका जी का है। खुद ने सोचा कि उन्हें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी खुद ने सोचा कि rather than concentrating on one seat, she should focus on the job she has at hand,
So that decision was finally hers and she decided it. यानी गांधी परिवार के करीबी सैम पित्रोदा के मुताबिक राहुल गांधी ने बहन प्रियंका पर फैसला छोड़ा और प्रियंका ने खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ न लड़ने का फैसला पार्टी हित में किया। लेकिन कांग्रेस के ही दूसरे नेता राजीव शुक्ला अलग कहानी कहते हैं। प्रियंका जी का बड़ा स्पष्ट बराबर लगातार बयान आया कि हमें जो कांग्रेस अध्यक्ष आदेश करेंगे हम करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर निर्भर है कि हमें कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ाना चाहते हैं। उनका बनारस भी हम लड़ने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर है कि वो क्या तय करते हैं। पार्टी हाईकमान क्या तय करता है उसको मानते हैं। पार्टी हाईकमान ने अजय राय का नाम तय किया, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रियंका जी लड़ती, निश्चित रूप से बहुत ही जबरदस्त और रोमांचक मुकाबला होता है। यानी कांग्रेस में भी अलग अलग नेता अलग अलग बात कह रहे हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज ने कांग्रेस के सूत्रों से बात की तो पता चला, सूत्रों के मुताबिक प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना था कि शीर्ष नेतृत्व चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ सकता। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को खुद फोन करके उनकी राय जानी। दावा है प्रणब मुखर्जी ने राहुल से ये तक कह दिया कि गांधीज कैन नॉट फाइट इलेक्शन टू लूज, यानी गांधी कभी भी चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ते। ये बात भी सच है कि कांग्रेस स्टार प्रचारकों की समस्या से जूझ रही है। सोनिया गांधी की तबीयत खराब चल रही है। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद चुनाव लड़ने में व्यस्त हो चुके हैं। राहुल गांधी पर पूरे देश में प्रचार का जिम्मा है। अगर प्रियंका बनारस में लड़ती तो बाकी सीटों पर प्रचार कौन करता? अमेठी रायबरेली में जिम्मेदारी प्रचार की कौन संभालता? क्या कहानी सिर्फ इतनी है? नहीं, आगे की कहानी जानिए। मैं वाराणसी गई, मैंने पूछा प्रधानमंत्री आते हैं, जवाब दिया जी आते तो है, भाषण लेके चले जाते हैं। मैंने पूछा रात को नहीं रुकते यहाँ? नहीं, यहाँ रुकते नहीं है। गांव नहीं जाते? नहीं, गांव नहीं जाते। चुनावी रैलियों में भी वाराणसी का जिक्र करके सीधे नरेंद्र मोदी से मुकाबला करती प्रियंका को काशी में न उतार पाने की दूसरी वजह, दावा है मायावती बनी। कांग्रेस चाहती थी कि वाराणसी में प्रियंका उतरे तो महागठबंधन की तरफ से कोई प्रत्याशी सामने ना हो। सूत्रों के मुताबिक इस बात पर मायावती तैयार नहीं हुई। मायावती ने दावा है ये तक कह दिया कि वो अपना डमी प्रत्याशी उतार देंगे वाराणसी में। यानी मायावती के कारण कांग्रेस की चाहत के मुताबिक वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका साझा उम्मीदवार नहीं बन पाई। ऐसे में निश्चित हार का जोखिम नहीं उठाने का फैसला लिया गया। काशी लोकसभा जीतना मेरे हिसाब से ये काम कल पूरा हो गया। एक पक्ष ये भी है कि केजरीवाल की तरह सीधे नरेंद्र मोदी से लड़कर सियासी वीरगति प्राप्त होना कोई बड़ी राजनीति नहीं। प्रियंका ने अभी दूर की जीत के लिए पास की हार को बिना लड़े मंजूर कर लिया है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक आकार पटेल यहाँ एक अहम बात कहते हैं, जिसे सुनकर आप खुद तय करिए आज कि काशी के अग्निपथ पर प्रियंका को चलना चाहिए था या फिर नहीं। जब भी कोई बड़ी सी कंटेस्ट होती है, मान लीजिए कि प्रियंका जी खड़ी हो गई थी वाराणसी से मोदी जी के खिलाफ, तो होता यह है कि एक तो मीडिया का जो फोकस है उस कंस्टिट्यूएंसी पर और उस फाइट पर ज़्यादा रहता है। दूसरी बात ये कि पार्टी का जो ढांचा है वो मजबूत होता है। कांशीराम जी का कहना था कि पार्टी अपने, कोई भी पार्टी अपने आप को तभी ग्रो कर पाती है जब वो चुनाव लड़ती है। तो ये जो मीडिया की जो मुक्केबाजी हो रही थी कि क्या मैं वाराणसी से लड़ूँ ना लड़ूँ, उससे बेहतर ये था कि वो फाइल करती अपना नॉमिनेशन। इसमें फायदा था कांग्रेस को बिल्कुल, जो वो हार जाती तो भी, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जहां पर कुछ हद तक बेस बाकी है यूपी में, वो बेस को ज़्यादा मजबूत वो लोग कर पाते। और जो फोकस अकेले मोदी जी अब ले जा रहे हैं वहां पर वाराणसी में, वो नहीं होता। अब घंटी बजाओ का सत्य परीक्षण, जहां नेताओं के भटकाने वाले दावों की घंटी बजती है। आज राहुल गांधी के उस बयान का सत्य परीक्षण
जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के खुलवाए जनधन खाते खाली पड़े होने का दावा किया है, लेकिन सच सत्य परीक्षण बताएगा। कुछ नहीं, सब झूठा है, नरेंद्र मोदी ने लूटा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहते हैं कि इन्होंने लाखों बैंक अकाउंट खोले, कहते हैं आप भाषण में कहते हैं बैंक अकाउंट खोले। मैंने सोचा क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी उन्हीं बैंक अकाउंट में थोड़ा सा पैसा डाले। बैंक अकाउंट का क्या फायदा अगर उसमें पैसा ही नहीं है। राहुल गांधी जिन खातों की बात कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत गरीबों के लिए खोले गए खाते हैं। राहुल का दावा है कि इन जनधन खातों में पैसा ही नहीं है, जिसकी वजह से गरीबों को कोई फायदा नहीं मिल रहा। राहुल के इस दावे में कितनी सच्चाई है, एबीपी न्यूज अब इसका सत्य परीक्षण करेगा। रिसर्च में हमें प्रधानमंत्री जनधन योजना पर वित्त मंत्रालय के आज की तारीख तक के आंकड़े मिले हैं, जिनके मुताबिक अब तक 35 करोड़ 50 लाख जनधन खाते देश भर में खोले गए हैं। इनमें से 21 करोड़ 7 लाख खाते ग्रामीण और 14 करोड़ 43 लाख खाते शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक योजना में महिला लाभार्थियों की संख्या 18 करोड़ 88 लाख तक पहुंच चुकी है, जबकि जनधन खातों में अब तक कुल बैलेंस 99,752 करोड़ रुपए है। यानी राहुल गांधी का दावा पूरी तरह गलत साबित होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बनारस को लेकर बड़ी बात कही। बोले कि जब वो 5 साल पहले नामांकन करने आए थे तब उन्होंने काशी को बदलने के लिए कई संकल्प लिए थे। इस दौरान वो नर्वस थे। सवाल यह है कि काशी को कितना क्योटो बना पाए मोदी के लिए काशी की दीवानगी की इनसाइड स्टोरी क्या है। एबीपी न्यूज के दो रिपोर्टर्स जनेंद्र कुमार और अजय दुबे ने ग्राउंड पर जाकर बड़ी रिपोर्ट तैयार की है, जो आपको इस सवाल का जवाब देगी कि क्यों बनारस को सिर्फ मोदी बन। अप्रैल 2019 वाराणसी का एक चौराहा जो मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जो मोदी के लिए काशी की दीवानगी बता रही है। पांच वर्ष पहले जब काशी की धरती पर मैंने कदम रखा तब मैंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। काशी ने इतना प्यार दिया कि बनारस के फक्कड़पन में ये फकीर भी रम गया। सवाल है, क्या प्रधानमंत्री के लिए काशी प्रेम की वजह ये तस्वीर? वाराणसी का मुस्लिम बहुल इलाका मदनपुरा, जहां प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तभी अचानक मोदी के एक मुस्लिम समर्थक ने उन्हें शॉल भेंट करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री की नजर अपने इस मुस्लिम समर्थक पर जाती है और वो भारी भीड़ के बावजूद अपने काफिले को रोकते हैं और शॉल स्वीकार करते हैं। Thank you.
लिए है, वह अपने आप जीत जाएगा। और इसलिए जितना ही हमारा काम है, कोई भी दिल ऐसा नहीं हो काशी लोकसभा क्षेत्र का तो सवाल है, प्रधानमंत्री के लिए उमड़ी इस भीड़ की वजह क्या ये चमचमाती सड़क है जो काशी की नई पहचान बन चुकी है? वाराणसी में प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए लोग बेकरार क्यों हुए? क्यों लोग 40 डिग्री के तापमान में घंटों इंतजार करते रहे? क्यों काशी ने मोदी को सिर आंखों पर बैठा लिया? आज की हमारी ये रिपोर्ट आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाली है। बनारस को बदलने के वादे पर मोदी कितना खरा उतर पाए हैं, इसकी पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज की टीम काशी में अलग अलग जगह गई, जिसमें रेलवे स्टेशन, गंगा घाट, एयरपोर्ट और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का इलाका शामिल है। काशी में हुए बदलाव पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मोदी बदलाव करने वाला होता कौन है? जहां स्वयं बाबा विश्वनाथ विराजे हैं, वहां उनकी मर्जी के बिना कुछ हो सकता है क्या? ये तो बस एक बेटे का संकल्प है और काशी की महान जनता की जीवंतता है जो ये पुरातन नगरी नवीनता को अंगीकार कर रही है। 2014-15 से अब तक मोदी सरकार ने वाराणसी के विकास कार्यों पर कुल 21,862 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इतनी बड़ी रकम वाराणसी में कैसे खर्च की गई है, उसे जानने के लिए हम सबसे पहले मडुआ डी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर हुए विकास की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। तो क्या वाकई में ये रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसा है? इस सवाल के जवाब में स्टेशन की बाहर की तस्वीर पहला सकारात्मक संकेत दिया। साफ सफाई और बड़े फव्वारे ने सबसे पहले हमारा ध्यान खींचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस को जो कुछ बड़े तोहफे दिए हैं, उनमें सबसे अहम है यहाँ के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प, और उसमें सबसे बड़ा नाम है मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का। स्टेशन के अंदर की तस्वीर और भी ज्यादा प्रभावित करने वाली है। पहली नजर में आपको लगेगा कि आप वाकई किसी एयरपोर्ट के अंदर है। बैठने के लिए साफ सुथरी और आरामदायक कुर्सियां हैं। इसके बाद हम प्लेटफॉर्म के अंदर की तरफ गए, जहां पर हमें हर जगह साफ सफाई नजर आई। आम तौर पर रेल पटरियां गंदी होती हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। पटरियों की यहां लगातार सफाई होती रहती है। तकरीबन आधे घंटे से मैं प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूं, लगातार मुझे यहां सफाई कर्मी जो है वो झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात मैं पटरियों की करूं तो पटरियां भी प्लेटफॉर्म की तरह ही साफ नजर आ रही हैं और लगातार वहां भी साफ सफाई चल रही है। अब सवाल ये था कि क्या ये बदलाव मोदी के वाराणसी में आने के बाद हुआ? इस बारे में हमने यहाँ मौजूद मुसाफिरों से पूछा। पहले की तस्वीर अब मत पूछिए, पहले से अब बहुत 100% का सुधार हुआ है। अभी वाला तो दिख ही रहा है, अभी वाला तो दिख ही रहा। तो हम कल्पना नहीं कर पा रहे ना कि पहले कैसा था। थोड़ा बताइए पहले कैसा था। पहले बिल्कुल खंजर था, खंजर जिसको बोलते हैं। अब बहुत सुधार हुआ, ये बन गया पार्क, दिख रहे हैं ये फुहारा चल रहा उधर का, एक नंबर जो है उधर का वो भी बहुत सुधार हुआ है। पहले तो छोटा सा था ही, अब तो मड़ुआडी हो गया। ये तो आनंद विहार और दिल्ली फेल है। हाँ जी, इतना बढ़िया ये दिखाई दे रहा है ना, ये आनंद विहार भी नहीं होगा जो आता। पहले बहुत लोग बताते थे कि आनंद विहार बहुत फैशनेबल है, मैं तो सोच रहा हूँ इसे लाख दर्जा बढ़िया है। साफ सफाई की तरह स्टेशन पर पीने के पानी की व्यवस्था भी अच्छी है।
जिसका क्रेडिट भी लोग मोदी को देते हैं। तो ये सब का क्रेडिट आप किसको देते हैं? तो सर हम तो वही हैं। कौन? वही सर बोल दिया। हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो ये कहा जा सकता है कि मोदी के काशी से चुने जाने के बाद मडुआ डी रेलवे स्टेशन की तस्वीर में जमीन और आसमान का अंतर आया है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने रोड शो के बाद भी किया। क्या जिस विकास की गंगा की बात मोदी कर रहे हैं वो पूरे वाराणसी में बह रही है? सड़कें क्या वाकई में चौड़ी और साफ सुथरी हो गई हैं? इस बारे में हमने वाराणसी के टैक्सी ड्राइवर से पूछा। सड़कों के हालत में सर बहुत सुधार देख रहे हैं, बहुत से रोड बने हुए। अभी एयरपोर्ट वाला रोड बना है, उस पर रिंग रोड जो शहर से बाहर निकालने के लिए एक साइड का रोड, तो पूरा 20 किलोमीटर का रिंग रोड बन चुका है, वो कंप्लीट है। और अभी भी रोड का काम चल रहा है, वो भी मुश्किल से 50% काम हो चुका है, वो उस पर भी काम चल रहा है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे, अच्छा, ये चितईपुरा रोड पे, अच्छा, उस पर चल रहा है। और बाकी चौड़ीकरण हुआ, ये सब देखें अब जो रोड पे हम चल रहे हैं। आप रिंग रोड की जो बात कह रहे हैं और एयरपोर्ट रोड की बात कह रहे हैं, ये तो बाहरी इलाकों की बात हुई, शहर के अंदर की जो सड़कें हैं उनकी कैसे? अंदर के रोड सर वो भी बनी है, पहले बहुत गड्ढे गुड्ढे थे हमेशा, लेकिन अब एकदम बने हुए रोड अच्छे से बने हैं, चौड़ीकरण हुआ है। टैक्सी ड्राइवर के दावे पर ये हाईवे मोहर लगाता है, जो काशी की काया पलट के बड़े सबूतों में से एक है। वाराणसी एयरपोर्ट से मुख्य शहर को जोड़ने वाला ये हाईवे 17 किलोमीटर लंबा है, जो 812 करोड़ की लागत से बना है, जिसने काशी की रफ्तार को बढ़ा दिया है। इस खूबसूरत नक्काशी को दिखाती हुई ये प्रतिकृति पहचान है बाबतपुर वाराणसी 4 लेन सड़क की, वो सड़क जिसने वाराणसी की रफ्तार बढ़ा दी है। इस सड़क से होकर जो भी वाहन गुजरते हैं उनकी रफ्तार वाराणसी के विकास में इस सड़क के योगदान को बताती है। इस हाईवे ने शहर की गति बढ़ाने के साथ साथ आय के नए साधन भी पैदा कर दिए हैं। सड़क के बन जाने से समय की काफी बचत हुई, जो बनारस जाने में 1 से 1.5 घंटे समय लगता था, अब केवल 15 से 20 मिनट में हम लोग कचहरी पहुंच जाते हैं। हमारी गाड़ी में लाइट भी नहीं है, रात की इतनी व्यवस्था है कि बिना लाइट के भी हम चल सकते हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। वाराणसी में बदलाव का एक और सबसे बड़ा सबूत तारों के जाल से मुक्ति है, जो पहले शहर के माथे पर किसी कलंक से कम नहीं था। बिजली का तार वगैरह अंडरग्राउंड कनेक्शन हो गया है, गली गली में सभी जगह लाइटें लग गई है, बहुत कम बिजली जाती है, एक्सेप्शनल जाती है। हमारे घरों के इलाके में मदनपुरा में ये स्थिति थी कि रात में लोगों को निकलते हुए लेडीज़ को कई शादी वगैरह में डर लगती थी, उनके साथ जेंट्स मतलब कुत्ते से, कोई इंसान से नहीं। आज ये आ रहे तो वो जगमग जगमग कर रहा है, पूरे इलाकों में एकदम रोशनी। बहुत ही अच्छी सुविधा मोदी जी ने दिया है और हम लोगों को चाहिए कि उनको भरपूर वोट करें। लेकिन क्या शहर के सबसे व्यस्त रहने वाले गोदोलिया चौराहे की हकीकत भी ऐसी है? ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता गए। आपको बता दें कि यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर काफी नजदीक है, हमें यहाँ पहुंचकर तारों का जाल गायब दिखा, जिसका श्रेय लोग मोदी को देते हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं गोदौलिया चौक पर, ये वो जगह है जहां से काशी विश्वनाथ मंदिर भी करीब है, जहां से दशाश्वमेध घाट भी करीब है। यहां पर कुछ सालों पहले तक बिजली के तारों का जाल हुआ करता था, बिजली के ये खंभे आज भी लगे हुए हैं, लेकिन तारों का जाल नदारद है। इस वर्ष पहले हुआ करता रहा, जिसमें कि बंदर चढ़ते रहे तो धड़ाम से बोल के बंदर गिर के मर जाता रहा, मगर अब वो समस्या नहीं है क्योंकि तारे हट गई हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं शुक्रिया अदा करूंगा। यहाँ 2 साल पहले से पूरा हटाया गया है, 2 साल पहले तक यहाँ बहुत जाल थी, 2 साल से पूरा तार अंडरग्राउंड हो गया है ये बनारस शहर के अंदर। तो अब तक की पड़ताल में काशी में मोदी का काम बोल रहा है, लेकिन काशी के घाटों की क्या स्थिति है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को आरती की? मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर आरती की, जिसे खास तौर पर सजाया गया।
लेकिन काशी के बाकी घाटों का क्या हाल है? 80 घाट पर क्या स्थिति है, जिस पर प्रधानमंत्री ने खुद सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया था? 80 घाट से पहले आपको गंगा महल घाट ले चलते हैं, जहां पर एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह जब पहुंचे तो उन्हें आवारा जानवर घाट पर घूमते दिखाई दिए। इस घाट पर भी आरती होती है, लेकिन यहाँ के हालात कितने बदले हैं, इस बारे में हमने यहाँ आए लोगों से बात की। स्थिति ये थी कि आप यहाँ खड़ा होकर जो कैमरा रिकॉर्डिंग हो रहा है और मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, वो भी नहीं हो पाता। हाँ, ये बात है कि अभी थोड़ी सी गंदगी आपको मिलेगी, 100 रुपए में 5 पैसा मिलेगा, 10 पैसा मिलेगा, लेकिन अब की अपेक्षा बहुत ज्यादा 14 से बाद बहुत ज्यादा सुधार हो गया बनारस। अभी देख रहे जो पहले पत्थर था, जो चिड़िया पहले थी, वही आज भी है। वो आप देख रहे हैं चेंजिंग रूम, वो खराब पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आवारा पशु देख लीजिए, जैसे पहले रह कर तो उसी तरह आज भी है, जैसे गंदगियाँ पहले तो उसी तरह आज भी, कुछ नहीं बदला है। तो मोदी के काम से लोग खुश जरूर हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश बाकी है। बारी अब 80 घाट की थी। हमारी टीम ने यहाँ पर गंगा महल घाट से बेहतर हालत पाए, लेकिन क्या इससे काशी के लोग संतुष्ट हैं? अब उनकी राय सुनिए। साक्षी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बनारस की रहने वाले हैं? नहीं, हम डेहरी ऑनसोन बिहार से यहाँ पढ़ने आए हैं। अच्छा, पढ़ते हैं, यानी कि आप फिलहाल बनारस में ही रहते हैं, तो अक्सर ऐसी घाट पे घूमने आना होता रहता है? हाँ, अक्सर आते हैं हम लोग। सफाई की अगर बात करें तो पीएम मोदी के आने के बाद में घाटों की क्या स्थिति है, सफाई की क्या स्थिति है? देखिए, सफाई में तो पहले से बहुत बहुत बेहतर हुए हैं, बट वी कुड नॉट से इट्स बेस्ट, लेकिन ये सबसे बेहतर नहीं है। हम लोग 2014 के पहले भी आते थे घूमने के, लेकिन आज भी आते, बहुत अंतर देखने को मिला है। 80 की बात ना करें, बाकी घाटों की बात करें तो सब जगह पर तस्वीर बदली है? बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह पर तस्वीर बदली हुई है। सभी घाट पर जो है सफाई हो रहे हैं, सफाई कर्मी लगे हुए हैं। तो वाराणसी में विकास हुआ है, साफ सफाई में सुधार की बात भी लोग कबूल कर रहे हैं, लेकिन कई काम ऐसे हैं जिन्हें पूरा किया जाना अब भी बाकी है, जिसे प्रधानमंत्री खुद स्वीकार भी करते हैं। जो सपना मन में है वो पूरा हो गया, ऐसा मैं कभी दावा नहीं करता, लेकिन उस सपने को पूरा करने की दिशा में हमारा रास्ता और रफ्तार सही है, ये जरूर कह सकता। यानी दुनिया के सबसे पुराने शहर में से एक काशी को क्योटो बनने में अभी लंबा सफर तय करना है। वाराणसी को भरोसा है कि अगर आगे भी उनका सांसद प्रधानमंत्री रहा तो असंभव लगने वाला ये काम संभव हो सकता है।